तो इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका थर्ड चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो भी चार्ज होगा है ना, चार्ज यहां पे क्या होता है, मोशन में होना चाहिए, चार्ज मोशन में होना चाहिए। और मोशन में अगर चार्ज है तो उसको आप बोलोगे, यहां देखो मैंने लिखा है मोशन में, या तो मोशन में होगा या फिर इसको डायनेमिक्स बोला जाएगा। तो स्टडी जो होती है चार्ज की, जो स्टडी होती है, यहां पे मैंने लिखा भी है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप क्या करंट बोलोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं हम लोग। जी एक कंडीशन और होता है, अब ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बोलोगे, लेकिन अगर दो पॉइंट्स हैं, समझना की बात है, यहाँ पे मेरे पास अगर दो टर्मिनल्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, तो इस तरह का मैं यहाँ पे दो टर्मिनल्स बना रहा हूं, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया, ठीक है। अगर दोनों में, सोचो समझो और बात को यहां पे रिप्लाई करना, दोनों में अगर पोटेंशियल की डिफरेंस हो, इसमें और इसमें, दोनों में पोटेंशियल की डिफरेंस हो, पोटेंशियल की डिफरेंस, तो आप सोचो तब इससे करंट पहले वाले से तो दूसरे में जाएगा ना, इसमें जाएगा ना, फिर से करंट का जी फ्लो होगा अगर पोटेंशियल की डिफरेंस होगी तो। ये बात भी ध्यान रखना है, अगर पोटेंशियल की डिफरेंस होगी तो ऐसा होगा। मतलब जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि पोटेंशियल की डिफरेंस कहने का मतलब, एक टैंक है, पानी का टैंक है ये आपके पास है ना, और ये पानी का टैंक यहां पे मैंने ले लिया, और दूसरा भी पानी का टैंक एक मैं ले रहा हूं, ये पानी का टैंक मैं नीचे की तरफ लेता हूं, इस तरफ यहां पे एक पानी का टैंक मैं ले लेता हूं, थोड़ा नीचे लेता हूं, यहां पे ले लिया, और पानी का टैंक इस तरह से ले लिया, तो इसमें पानी आपने भर दिया, भर दो इसमें पानी, देखो ये मान लो इसमें आपने पानी इस तरह से डाल दिया ये टैंक में, और जी इसको एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दो आप, ठीक है, यहां पे भी डाल दिया मैंने, तो पानी, अब ये ऊपर वाला थोड़ा खाली है, नीचे वाला ये जो है नीचे वाले में थोड़ा सा खाली है, अब यहां पे मैं क्या करता हूँ, यहां से इसको एक पाइप से कनेक्ट कर देता हूँ, पाइप से कनेक्ट कर देता हूँ, और नीचे में यहां पे कनेक्ट कर देता हूँ, ऐसे मैं एक पाइप लेके आता हूँ, देखो ये पाइप इस तरह से लिया और इस तरह से यहां पे कनेक्ट कर दिया। तो अब जी देखो वाटर का फ्लो ऊपर वाले टैंकर से नीचे वाले टैंकर की तरफ तो होगा है ना, वाटर तो ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक की तरफ तो जाएगा, ऐसा जाएगा वाटर। जी सर आपकी ना आवाज यहां पे देख के आप ये बोलोगे कि ये आपका जो है हाई पोटेंशियल पे है, और ये क्या है, ये लो पोटेंशियल पे है, मतलब ये एचपी और ये एलपी लो पोटेंशियल, तभी तो हाई जो वाटर का जी फ्लो हो रहा है वो फ्लो किधर से हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल तो उसी तरह से जब बैटरी होती है, तो बैटरी में मान लो अगर यहां पे मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है, प्लस में है, और एक का माइनस 10 कूलम का चार्ज है, ये माइनस में है, तो अब इस दोनों की पोटेंशियल इस तरह की है, तो बैटरी में क्या होगा, क्या होगा, यहां पे जो चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो, ये जो चार्ज है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल हमारा कौन सा है, ये हमारा हाई पोटेंशियल है, ठीक है, हाई पोटेंशियल। ये क्या है हमारा, लो पोटेंशियल है, निगेटिव है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, करंट इधर से इधर जाएगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जाएगी, पोटेंशियल ये करंट की डायरेक्शन होगी। करंट जब इधर से इधर जाएगी तो एक समय में ऐसा होगा कि देखो ये अब क्या हो जाएगा, ये अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे कम होगा, मतलब ये मान लो ये आपका 9 हो गया, 9 कूलम हो गया, अब ये -9 कूलम हो गया, अभी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो 10 और 10 20 का रहा होगा, इसके बाद क्या हो गया, 18 का हो गया, फिर 5 5 का हो जाएगा, +5 -5 का, पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से दोनों का कम होता जाएगा, जब तक ये चार्ज जो है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल से हायर से लोअर पोटेंशियल पे करंट का फ्लो होगा। तो इसका मतलब है, यहां पे मैं कहने का सेंस ये बनता है कि इफ टू बॉडी चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्ट टुगेदर बाय मीन्स ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, लाइक ये कंडक्टिंग वायर है आपकी है ना, तो चार्ज बिगेन्स टू फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी है ना, और द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर, ये क्या होता है, ये करंट को बनाता है। इसका मतलब करंट की एक डिफिनेशन ये भी हो सकती है कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टम आर सेटअप
है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेटअप कर देते हो तो वैसे केस में चार्ज का फ्लो होता है, और ऐसे केस में जो चार्ज का फ्लो होता है तो इसको भी आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप उसको बोलते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट, जी हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का क्या लिखा आपने कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम, तो बिल्कुल सही क्यू बाय टी। तो क्यू बाय टी तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, तो क्यू बाय टी लिख दिया। तो आई, आई को करंट से दिखाते हो आप, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और ये इसकी यूनिट एम्पियर है। तो यहां पे आप देखो इसकी यूनिट चार्ज की यूनिट कूलम, और टी की सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड भी इसकी यूनिट होगी, एम्पियर भी होगी और कूलम पर सेकेंड, दोनों ही इसकी यूनिट मानी जाएगी, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहां पे और भी चीज आपको समझा देता हूं। देखो होता क्या है, जिस तरह से यहां पे आपने चार्ज के लिए ले लिया कूलम पर सेकेंड, है ना, तो यहां पे कूलम को भी अलग अलग पार्ट में, जैसे मिली कूलम है, माइक्रो कूलम है, अगर छोटे से स्मॉल यूनिट की बात करें यहां पे, तो जैसे मिली कूलम, माइक्रो का सिंबल ऐसा होता है माइक्रो कूलम, ठीक है। मिली कूलम, वन मिली कूलम कितने के इक्वल होता है, 10^-3 कूलम के इक्वल होता है, और वन माइक्रो कूलम कितने के इक्वल होता है, तो ये हो जाता है 10^-6 कूलम, ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इस तरह से यहां पे आप इसके लिए देखते हो, लेकिन यहां पे एक फॉर्मूला भी है, एक जैसे कि अगर मान लो कि जैसे कूलम पर सेकेंड के लिए तो आपने बेसिक लिया, आपको यहां बता दूं, आपको पूछा जाएगा कि करंट जो है किस तरह की क्वांटिटी है, किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप बताओ कि करंट एक आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो पूछेगा भाई क्यों करंट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कब से हो गया, क्योंकि इसमें तो आप जिधर से वायर लेके जाते हो, जिस जिस डायरेक्शन में वायर लेके जा रहे हो, मान लो आप वायर इधर लेके गए, फिर वायर आप इधर लेके गए, फिर इधर लेके गए, फिर इधर लेके गए, तो डायरेक्शन तो पता है, तो फिर आप इसको स्केलर कैसे बोल रहे हो, तो आपको यहां पे समझाना पड़ेगा। देखिए ये जो करंट है, ये करंट जो हमारे पास जो आपका टर्म्स होता है, पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ जिसको आप बोलते हो, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, है ना, उसको ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जबकि दोनों ही है, करंट में क्या है मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, और आप जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो उसको आप वेक्टर बोलते हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी आप बोल रहे हो, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये मतलब ये ओबे नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है हर वो चीज जो इस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा वो स्केलर होगा। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं करता, ये भी देखो, ये इसलिए नहीं करता बेटा कि मान लो एक वेक्टर आपने करंट इधर दिया, इधर से इधर लेके आ गए, और अब ये करंट की डायरेक्शन है, मैं समझ गया बिल्कुल अच्छे से आपने समझा दिया ये करंट की डायरेक्शन है। अब आप कहोगे सर इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर दो जरा, तो मैं कहूंगा हाँ जी ट्रायंगल वाला रिजल्टेंट होता है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखो अगर आप दो वायर यहां पे आपने ले लिए, एक वायर यहां से यहां लेके आए, दूसरी वायर यहां, और बीच में इसको तीसरी वायर से इस तरह से कनेक्ट कर दोगे, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब यही वायर को आपने यहां पे यहां से लेके आया और इसको वायर से यहां पे कनेक्ट कर दोगे, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहां पे सबसे पहले आप देखो कि करंट कितना है, तो करंट आपका 1 एम्पियर है, तो आप यहां पे लिखोगे आई इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 1 सेकेंड का, तो 1 सेकेंड लिख दिया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10^-19 कूलम होता है, इसको भी लिख दिया आपने, ठीक है। अब ये सब चीज आपने लिखा, तो आपको पता है अभी आपने करंट का फॉर्मूला देखा था, आई इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन टी, और क्यू इक्वल टू क्या होता है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज से, क्यू इक्वल टू एनी अपॉन टी, और आपको यहां से आपको आई दिया हुआ है, ई दी हुई है और टी दिया हुआ है, तो यहां से एन का जो फॉर्मूला निकालोगे तो एन इक्वल टू आपके पास कितना मिलेगा,
दिस वन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई, ठीक है। तो आई करंट वन है, टाइम भी वन सेकेंड के लिए है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये जब आप ऊपर जाएगा तो ये देखो कैंसिल करो, ये ऊपर में आ जाएगा कितना, ऊपर में 10 आ गया तो इसको 10 बना देता हूं मैं। अब ये 16 है और ऊपर 10 है तो आप सॉल्व कर सकते हो यहां पे 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 5/8। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो 8 7 जा 56 हो जाता है, तो 8 6 जा 48, ठीक है। तो ये 6.25 × 10⁻¹⁸ ऐसा आ जाएगा। अब देखो यहां पे कभी कभी सॉल्व करने में क्या होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेशन लगता है कि कैसे सॉल्व किया जाए इस चीज को, तो ये भी मैं समझाता हूं। ऊपर में जैसे आपने लिखा यहां पे वन बाय देखना ध्यान से 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। इसको मैंने कहा डेसिमल हटा दो, ऊपर 10 कर दो, ठीक है, हो गया 10। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको ऊपर ले जाओ, तो देखो आप लिखोगे 10 × 10⁻¹⁹ अपॉन में 1.6, वन पॉइंट तो नहीं लिखना, पॉइंट का लिख दिया आपने तो 16 सीधा लिख दिया। अब आप देखो कैलकुलेशन क्या करोगे, देखो कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा आसान कैसे होता है, कैलकुलेशन से कैसे बचा जा सकता है। इसको अगर मैं 100 बना दूं, देखो तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, 100 × 10⁻¹⁸ अपॉन 16 जी। तो अब इसको 4 से कैंसिल करो, आवाज आपकी क्रैक हो रही है। 4 से कैंसिल करके देखते हैं, 4 4 जा 16 और ये देखो 25। अब हमारे लिए 25 को 4 से डिवाइड करना आसान हो गया, तो आप कर सकते हो 4 6 जा 24, ठीक है। जैसे डिवाइड करते हो यहां पे 25 लिख दिया मैंने और 6 से डिवाइड कर दिया तो 4 से 24, ये रह गया 1। अब फिर आपने यहां पे फिर से आपने डिवाइड कर दिया, ये 4 है, यहां पे इसको 4 कर लेते हैं और ये 6 है, तो 4 6 जा 24, ये 1 आ गया। अब फिर से आप यहां पे करोगे तो यहां पे डेसिमल देना पड़ेगा यहां पे 0 लाने के लिए, तो 4 2 जा 8, ठीक है। अब ये 2 आ गया, अब जब आपने एक डेसिमल दिया है तो 2 3 0 तक आप जा सकते हो, तो एक बार फिर से आप 0 लगाओगे तो 4 5 जा 20, तो मतलब 6.25 आ गया। ये आपका आसानी से 6.25 × 10⁻¹⁸ ये वैल्यू आपकी मिल रही है। जब भी आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हो तो यहां पे दो कंडीशन आती है कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, और अगर क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो यूनिट आप लिखते हो इसकी भी यूनिट होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से, और इसकी यूनिट आप लिखते हो वोल्ट, ठीक है। उसी तरह से अगर जहां तक पोटेंशियल डिफरेंस की बात है तो पोटेंशियल डिफरेंस को वी से लिखा जाता है और इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है। तो सवाल है कि क्या डिफरेंस है ईएमएफ में, और इसको इन शॉर्ट में ईएमएफ लिखा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में और वोल्ट में डिफरेंस क्या होता है, क्यों फिर अगर दोनों की फिर यूनिट सेम कैसे हो जाती है और इस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहां पे मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कि इट मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसी को आप डिफाइन करते हो किसके फॉर्म में, पोटेंशियल ईएमएफ के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फॉर्म में। जैसे हमने दो टर्मिनल बैटरी का, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, जिस तरह से का टर्मिनल होता है वो मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये कनेक्टेड नहीं है किसी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको मैंने किसी वायर से बाहर के किसी सोर्स से यहां पे कनेक्ट किया हो, नहीं ये कनेक्टेड नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सेपरेट है एक दूसरे से। जब ये एक दूसरे से सेपरेट होगा तो यहां पे क्या होगा, एक फोर्स इस पे एग्जर्ट होता है। देखो फोर्स कौन सा फोर्स किस पे एग्जर्ट होगा ये देखना, चार्ज पे इलेक्ट्रोलाइट के कारण एक फोर्स एग्जर्ट होगा, तो दिस फोर्स जो होगा ये
ड्राइव्स पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द टर्मिनल ए, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज को वो ड्राइव करेगा टर्मिनल ए की हेल्प से। तो यहां पे मैं कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो देखो, अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों चीजें क्या है। यहां पे मैं एक टर्म्स में यहां पे लिखने जा रहा हूं, और एक अपोजिट डायरेक्शन में जो ए से बी पे जा रहा है उसके लिए भी मैं लिखने जा रहा हूं। तो ये देखो, ये क्या है, ये है आपका एफ, इसको मैं एफ एन से दिखाऊंगा, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल एफ और एन, अभी मैं बताऊंगा एफ एन क्या है, और दूसरे में एफ ई, एफ ई, ये दोनों से मैंने यहां पे दिखा दिया है। मैंने क्या माना कि भाई फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्यू इज एफ एन, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज एफ एन, और दूसरा जो है जब एफ एन पे लग रहा है तो यहां पे जो चार्ज बिल्ड हो रहा है टू टर्मिनल्स पे ए और बी पे, जो चार्ज टर्मिनल्स ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रखा है दोनों के बीच में, और तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी इसके बीच में अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल, में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि ए से बी की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, ई भी आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी है। पहला तो मैंने आपको दिखाया कि भाई एफ ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स एफ ई, एफ ई ऑन चार्ज प्लस क्यू इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ एन, तो एफ एन के बारे में, एफ एन तो मैंने यहां पे दिखा दिया है, एफ एन क्या है, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और स्टेडी स्टेट में, मतलब यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है तो उस केस में स्टेडी स्टेट में जो चार्ज होगा वो उस हिसाब से एक्युमुलेटिंग, जो एक्युमुलेट होगा उस हिसाब से यहां पे एफ एन जो होगा, ध्यान देना, एफ एन जो होगा वो एफ ई के इक्वल होगा, ठीक है, एफ एन एफ ई के इक्वल होगा, क्योंकि अब देखो आप यहां पे एक अच्छी सी चीज यहां पे आपको समझने की मिलेगी अगर आप ध्यान से देखते हो समझते हो। यहां पे पूछा जाता है कि वर्क डन क्या होगा, ये जो फोर्स है ना बेटा, यहां पे इस दोनों की जो फोर्स ले रही है, ये आप ये मत समझना कि ये कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है ये, मैं पहले बता दूंगा आपको। तो अब इस जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि नॉन, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों नहीं है, मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब चार्ज रेस्ट में तो है नहीं, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल ही नहीं सकते, तो इसलिए यहां पे चार्ज क्या है, चार्ज मोशन में है, तो इसका मतलब है जो वर्क डन होगा इस नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के कारण, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कहां से हो रहा है, तो चार्ज बी से ए पे आ रहा है, चार्ज कहां से आ रहा है, बी से, ये वाला बी जो पॉइंट है, बी से चार्ज ए की तरफ आ रहा है, तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बी से ए की तरफ, तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे जी वर्क डन निकाल के देखते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वर्क डन जो होगा आपके लिए वो एफ एन, चूंकि फोर्स कौन सा लग रहा है, ये वाला एफ एन, और इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों टर्मिनल्स के बीच की डिस्टेंस, इसको डी मान लिया मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट डी हो गई, वर्क डन हो गया डब्ल्यू इक्वल टू एफ एन, ये एन है एफ एन इनटू डी, ठीक है, दोनों टर्मिनल के बीच की डिस्टेंस है। उसी तरह से वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात करें, मतलब ईएमएफ की बात कर लें, ठीक है, तो ईएमएफ इक्वल टू कितना होता है, तो ईएमएफ के लिए आपने अभी ऊपर डिफाइन देखा था डेफिनेशन, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल के लिए वर्क डन बाय सोर्स इन ए टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज डब्ल्यू बाय क्यू, और डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला आपने क्या देखा, एफ एन इंटू डी अपॉन में कितना है क्यू, है ना, इस डायग्राम में मैंने दिखाया कि दोनों टर्मिनल्स जो हैं किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये जो मतलब बैटरी जो है, बैटरी ए और बी का जो टर्मिनल्स है किसी से कनेक्टेड तो है नहीं, अगर कनेक्टेड नहीं है तो जो फोर्स होगा एफ एन का, एफ एन का फोर्स किसके इक्वल है, मतलब जितना फोर्स एफ एन
के थ्रू लग रहा है, उतना ही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एफई, मतलब उतना ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके इक्वल लग रहा है। तो ये किसके इक्वल दिख रहा है, ये एफ ई इक्वल टू क्यू ई के इक्वल है, ठीक है। और यहां पे देखो, जहां तक वर्क डन का सवाल है, तो वर्क डन के लिए दोनों के लिए क्या देखा जाए, अगर मैं यहां पे वर्क डन की बात करूं, देखो यहां पे इस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एन इनटू डी, उसी तरह से वर्क डन इसके लिए मैं देखूं तो ये हो जाएगा एफ ई इनटू डी, ठीक है। और यहां पे इसी में अगर दोनों का, चूंकि ये क्यू ई तो है ही, क्यू ई किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, तो क्यू ई इंटू डी भी लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया ये भी। और देखो ये क्यू ई इंटू डी, ई इंटू डी किसके इक्वल होता है, तो ये वी के इक्वल होता है, तो क्यू इंटू वी लिख सकते हो, क्योंकि आपने स्टडी किया हुआ है ई इक्वल टू वी बाई डी, आपने स्टडी किया था। तो ई इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो E इंटू डी को भी मैंने V लिख दिया। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच आ रहा है, उसको अगर आप EMF से दिखा रहे हो, EMF इक्वल टू, अब देखो यहां पे कितना आने वाला है आपके पास, यहां देखो आप वर्क डन के लिए W बाय क्यू लिखा है आपने, और W जो है आपके पास ये दोनों है एफ एन इंटू डी और एफ ई इंटू डी, तो मैं यहां W E इक्वल टू एफ एन इंटू डी लिख रहा हूं, अपॉन में यहां पे चार्ज Q है, तो अपॉन में चार्ज भी मैंने क्यू लिख दिया। दिस वन इज इक्वल टू एफ एन इंटू डी को आप, ये जो एफ एन इंटू डी है इसको यहां पे फाइनल रिजल्ट पे आप आए थे, क्यू इंटू वी लिखा था, तो क्यू इंटू वी अपॉन में क्यू। अरे ये क्या हो गया, मतलब क्या क्यू और क्यू कैंसिल हो रहा है, देखो तो, अरे हाँ ये तो क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, वी के इक्वल हो गया। इसका मतलब हुआ जो EMF ऑफ सोर्स है, ये EMF जो सोर्स है ये इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम टू किसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, किस दोनों किसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस टू सेल, टू मतलब टर्मिनल्स ऑफ द सेल, जब सर्किट ओपन होगा, सर्किट ओपन होगा मतलब सर्किट जो है ये दोनों ही वायर से कनेक्टेड नहीं है, तो वैसे केस में बैटरी से इसका मतलब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो पा रहा, अगर करंट नहीं ड्रॉ हो पा रहा तो वैसे केस में जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है। ओम्स लॉ के लिए जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जर्मन फिजिसिस्ट साइंटिस्ट थे और उनका नाम भी था जॉर्ज साइमन ओम, है ना, उन्होंने एक रिलेशन डिराइव किया था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, और वो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच रिलेशन दिखाया था, वो रिलेशन कुछ इस तरह का था, उन्होंने बताया कि पोटेंशियल जो होता है, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के होता है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि वी इक्वल टू, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी चीज में उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब जैसे अभी आपको मैंने एक टैंक का एग्जाम्पल दिया, अगर पानी की टैंकर है जितनी हाइट पे रखी जाए, है ना, और जितने नीचे से, मतलब मान लो आप सेकंड फ्लोर पे रख रहे हो और नीचे टैप खोलो तो उसका प्रेशर जो है थोड़ा ज्यादा होता है, और अगर आप थर्ड या फिफ्थ फ्लोर पे रख रहे हो और उसके बाद पानी का टैप खोलो तो उसका प्रेशर और ज्यादा मिलेगा, अगर मान लो आप 15th फ्लोर पे अगर आपने टैंक आपकी रखी हुई है वहां से पानी का टैप से खोलो उसका प्रेशर और ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके करंट के, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज के। तो V इक्वल टू होता है R इंटू आई, जहां की R आपको अच्छे से पता है कि R जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या इसको आप रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी बोलते हो, है ना, इसको आप रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी बोलते हो, और R यही जो R है उसी की यूनिट होती है ओम, और ये R की यूनिट जो है ये होती है ओम, और यही ओम जो है जो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर R इक्वल टू देखा जाए यहां पे तो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I होगा, है ना, रेजिस्टेंस का काम होता है कि ये अपोज करता है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, है ना, किसी भी कंडक्टर से अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसको रेजिस्ट करता है ताकि वो करंट का फ्लो में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है कि मतलब फ्लो कम से कम हो। तो
जहां तक R इक्वल टू वी आई लिखा तो इसका यूनिट इसकी क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर। तो कहीं कभी कभी पूछा जाता है कि वोल्ट पर एम्पियर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो आप बताओगे रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो ये आपको वहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सवाल है कि यहां पे जब चूंकि दोनों ही एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो वैसे केस में दोनों का ग्राफ किस तरह का होना चाहिए, किसके किसके बीच का ग्राफ, मतलब करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ। तो यहां पे मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ऊपर वाई एक्सिस में करंट ले लेता हूं, यहां पे मैं पोटेंशियल ले लेता हूं एक्स एक्सिस में। तो इसका जो ग्राफ आपका आ जाएगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, वो ये रहेगा ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन ऐसा, क्योंकि ग्राफ में आप ये ओमिक कंडक्टर के लिए अप्लीकेबल है, ध्यान रखना मैं बात रिपीट कर रहा हूं, ये ओमिक कंडक्टर के लिए अप्लीकेबल है ना कि नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर जैसे लाइक सेमी कंडक्टर होते हैं, वो सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो अब नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं कार्बन और जर्मेनियम, जिसमें कि आई और बी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होता, उसका ग्राफ जो होता है कर्व ग्राफ आपको मिलेगा, तो इसलिए वो नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो होगा जो कि बिल्कुल आई और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जिसकी ग्राफ जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में जैसे मैं नंबर वन को लेता हूं मैं, और नंबर वन में पहले देखते हैं कि किस कौन सा फैक्टर मैं लेने जा रहा हूं। तो सबसे पहला फैक्टर मैं लेने जा रहा हूं आपका लेंथ के लिए। तो आपकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। जितनी ज्यादा आपकी लेंथ होगी वायर की, उतनी ही ज्यादा यहां पे उसकी रेजिस्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है लेंथ के। दूसरा आपके पास क्या आ जाता है, दूसरा आपके आ जाता है एरिया का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला जाता है। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वायर को देखते हुए उस हिसाब से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अगर थिक वायर है तो उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगी, और अगर थिन वायर होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगी। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्लियर है। नॉर्मली वायर कैसी होती है, तो वायर आपकी सिलेंड्रिकल होती है, तो ये सिलेंड्रिकल वायर ले लिया आपने, और सिलेंड्रिकल वायर में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ऊपर वाले का ये वाला पोर्शन कह सकते हो, या फिर नीचे वाले का ये वाला पोर्शन आप कह सकते हो। ये वाला जो मतलब अगर आपको रेडियस दी भी हो, तो उससे भी आप रेडियस से भी आप मान लो इसकी रेडियस जो भी दे दी जाए, रेडियस भी दे दी जाती है, तो उसे आप पाई आर स्क्वायर से इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है, राइट। और तीसरा पॉइंट और है जिस पे ये डिपेंड करता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट ये है कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है ना, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का वो बना है, कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, उस पर ये डिपेंड करेगा। उसी के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस होगी। तो इस सब को अगर आप कंबाइन करोगे, जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए नाइक्रोम का वायर है, नाइक्रोम की जो वायर होती है ना, नाइक्रोम की वायर में निकेल और क्रोमियम ये दोनों मिक्स करके बनाया जाता है। नाइक्रोम की वायर होती है जो हीटर में, आजकल ठंड आ रही है तो हीटर में यूज होती है नाइक्रोम की वायर, हीटर रूम हीटर के लिए, है ना। तो ये जो नाइक्रोम की वायर है, ये जो होती है, ये किसके इक्वल होती पता है, रेजिस्टेंस जो नाइक्रोम की वायर होती है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ये 60 टाइम्स ज्यादा होती है किसके, कॉपर के वायर के, 60 टाइम्स ज्यादा, तभी तो ये हीट हो जाती है ना। और ये कॉपर की वायर में उतना करंट फ्लो करके हीट नहीं हो पाती है, तो ये 60 टाइम। तो मतलब ओवरऑल ये बोल सकते हो आप कि इन सारे फैक्टर्स पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जो मैंने फैक्टर यहां पे लिया हुआ है, उस सारे फैक्टर्स पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आप कंबाइन कर लो सारे फैक्टर्स को, उससे आपको पता लग जाएगा। चलो मैं कंबाइन करके देखता हूं सारा फैक्टर। तो अब मैं यहां पे सारे फैक्टर को कंबाइन कर लेते हैं। फैक्टर कौन कौन सा है देखो, तो ये आपका एक हो गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ऐसा लिख सकते हो।
तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आर इक्वल टू रो एल बाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे आपने रो लिख दिया, और रो जो है इसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे, जैसे इसकी यूनिट क्या होती है, मतलब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो इसको भी देख लो आप। यहाँ पे रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए, आर इंटू ए बाय एल। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट ओम होगी। ए एरिया है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। और उसके बाद आपके पास ये मीटर होगा, तो मतलब ओम मीटर जो है इसकी यूनिट हो जाएगी रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। लेकिन अब यहां पे आप ये देखो, रेजिस्टिविटी के बारे में मैं बता दूं, रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये बात आप ध्यान में रख लेना। बहुत बार क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो कि क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाता है कि एक वायर है, समझना आप क्वेश्चन को, एक वायर है, इतनी पतली सी एक वायर है, इसको स्ट्रेच करके इसकी वायर की लेंथ को डबल दिख कर दी गई, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो रेजिस्टिविटी मैंने क्या बोला, वायर की लेंथ को डबल कर दो या ट्रिपल कर दो, ठीक है ना, वायर की लेंथ पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर ये कॉपर की वायर है और इसी कॉपर की वायर को मैं खींच के इतना लंबा कर रहा हूं, तो कॉपर ही तो रहेगा ना, वो एल्यूमिनियम थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और उसके बाद पूछा जाता है रेजिस्टिविटी की रेशियो बता दो, पहले वाले इसके और दूसरे वाले रेजिस्टिविटी की रेशियो बता दो, मतलब रो वन और रो टू की रेशियो बता दो। तो ये सब क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। कुछ टर्म ऐसे हैं जिसको यहां पे हमें समझना होगा। कंडक्टेंस जो है ये एक तरह का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं और शॉर्ट में बोल दूं तो ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि कंडक्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो जी से, कैपिटल जी से। और कैपिटल जी जो होता है, मैंने जैसे बताया कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल किसके, रेजिस्टेंस के, आर के, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। मान लो थोड़ा सा कभी कभी डिफाइन करने की बात करता है कि डिफाइन कैसे करोगे जी कंडक्टेंस को आप, तो आप कह सकते हो वहां पे द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ईज विथ विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू इट, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, है ना। कि यूनिट के बारे में क्या बोलोगे, तो यूनिट तो रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा मतलब वन बाय ओम हो जाता है ना। तो वन बाय ओम का रेजिस्टेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम एच ओ, ये भी यूनिट हो गई। और ओम का सीधा इनवर्स आप लिखोगे तो ओम, ऐसा ओम इनवर्स, ये भी इसकी यूनिट हो गई। और एक और इसके साइंटिस्ट के रिगार्ड पे इसकी यूनिट दी गई है, वो नाम है इसका साइमेंस, एस आई ई एम ई एन एस, ये भी इसकी यूनिट होती है जिसको आप कैपिटल एस से दिखाते हो। तो ये इस तरह से आप तीनों फॉर्मेट में आप इसकी यूनिट को समझ सकते हो। यहां पे देख के ही आपको पता लग रहा हो कि अगर किसी का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसका कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से कंडक्टेंस था उसी तरह से कंडक्टिविटी के बारे में भी आपको जानना है। कंडक्टिविटी को रो से लिखते हैं, सिग्मा से, सॉरी कंडक्टिविटी को किससे लिखा आपने, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ये रेसिप्रोकल होता है किसका, देखो ये रेसिप्रोकल होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं आप समझना, वन बाय रो के। रो क्या थी आपके लिए, रेजिस्टिविटी। तो जो रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी के उसको क्या बोलोगे आप, कंडक्टिविटी। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी, देखो कनेक्टिविटी की यूनिट हमने निकाला था, ऊपर मैं दिखाना चाहूंगा, देखो कनेक्टिविटी की यूनिट मैंने निकाला था ओम मीटर। तो ओम मीटर में यहां पे क्या होगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स लिख दो, और ओम को आप और भी क्या लिखते हो, तो ओम को आप ये लिखते हैं मो, एम एच ओ, मो और मीटर इनवर्स, या फिर ओम को और क्या लिखते हो आप, साइमन लिखते हो, तो एक और साइमन मीटर इनवर्स। ये तीनों यूनिट्स में कोई भी यूनिट आपके ऑप्शन में आ सकता है और उसमें आप इसको समझ सकते हो। करंट डेंसिटी में आप सीधा लिखोगे इसको जे से, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल जे से, जे इक्वल टू होता है आई बाय ए,
मतलब फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया इन ए कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। आप लिख सकते हो करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया मैंने। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर है और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद ये जब इतना स्टडी कर लिया तो एक रिलेशन आपको स्टडी करना पड़ेगा। रिलेशन क्या दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच का। यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं वी इक्वल टू ई इंटू एल। अब एल यहां पे एल भी क्या है, डिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है, ठीक है। ई जो है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एल जो है यहां पे कंडक्टर की लेंथ है, एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। हालांकि वहां पे कैपेसिटर के मामले में आपने जो फॉर्मूला यूज किया था V इक्वल टू ED का फॉर्मूला यूज किया था, यहां पे अब D को मैं L की तरह ट्रीट कर रहा हूं, लेंथ ऑफ कंडक्टर की तरह, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। अब लेकिन यहां पे देखो अब आपके पास क्या आ रहा है, वी इक्वल टू ई एल, और वी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के हिसाब से वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आई और आर, तो आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रो एल बाय, लिख दिया मैंने, और इसकी जगह पे मैं V की जगह पे EL लिख रहा हूं। EL इक्वल टू कितना आ गया, EL इक्वल टू आ गया I रो L बाय E, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E जो है यहां पे, ये E वाल EL जो है इसको मैंने यहां पे यूज किया, E मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब देखो आपके पास दोनों तरफ L और L कैंसिल हो रहे हैं, तो E इक्वल टू वो कितना आ रहा है, आई बाय ए इंटू रो, और आई बाय ए के बारे में अभी आपने मुझे बताया कि ये तो आपकी करंट डेंसिटी है, तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल ये मेरी करंट डेंसिटी है, तो मैंने इसको J से लिखा था, तो मैंने J लिख दिया, और यहां पे ये क्या है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको E लिखा, E इक्वल टू J, ठीक है, और यहां पे ये हो जाएगा J इंटू रो, और यही रिलेशन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच का। इसी चीज को मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे E जो है J, यहां पे J ले लिया, J इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन रो इंटू E, सही है, ठीक है, ये इंटू में आ रहा है, और वन अपॉन रो को आपने क्या दिखाया था, देखो जरा ऊपर, वन अपॉन रो इज कंडक्टिविटी सिग्मा, तो इसको आप सिग्मा लिख सकते हो यहां पे, तो ये आपके पास आ जाएगा J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट, इसके बीच करंट डेंसिटी के बीच के तो है ही, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और ये है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। दो फॉर्मूले हैं, एक एक टर्म्स में रेजिस्टिविटी के टर्म्स में है, और एक दूसरा आपके कंडक्टिविटी के टर्म में है। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके पास है उसके, उसको यहां पे आप उसी तरह से अप्लाई भी करना है। कोई भी दो सेल का सम तब माना जाएगा जब एक सेल, जैसे ये सेल आपने ले लिया एक सेल, और इसका निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से इसी तरह से सीरीज में कनेक्टेड होता चला जाए। तो वैसे केस में मान लो कि ये 200 है, ये 10 है, तो 210 हो जाएगा। और भी सेल अगर आप ऐड करोगे तो बैटरी में, जैसे टॉर्च है, टॉर्च में बैटरी को कैसे कनेक्ट करते हो कि भाई एक पॉजिटिव है, निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, तब तो सीरीज में ये जाता है ना। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में, आप यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक सेल का जो निगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव, फिर ये निगेटिव, ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव हो रहा है। तो इस तरह से सेल कनेक्टेड है, तो इसका मतलब सेल अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है आपके लिए, आप कुछ मत सोचो, अगर जब कनेक्शन सीरीज में पार्ट वाइज ना हो तो आप सीधा क्या करो, 200 में 10 को माइनस कर दो तो कितने वोल्ट हो जाएगा, 190 वोल्ट हो जाएगा। और आपको क्या देखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। अब V आप
यहाँ पे 190 का यूज करोगे और रेजिस्टेंस जो है वो आप देख लो 38 ओम का है, तो 38। अब देखो इसको 19 टू जा 38 होता है, ऊपर 10 है नीचे 2 है, तो 5, तो 5 एम्पियर का करंट आ गया। देखो सबसे पहली चीज कि मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन में कि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है। और आपने जो वायर लिया हुआ है, चाहे आपने कॉपर का वायर लिया हो या आपने एल्यूमिनियम की वायर ली हो, चाहे आपने किसी भी मटेरियल का वायर लिया हो, उसकी वायर 10 ओम दी हुई है और उसी वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो। स्ट्रेच करके आप 3 times आप उसको ओरिजिनल लेंथ से 3 times इंक्रीज कर रहे हो, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि एल्यूमिनियम की वायर को आप 3 times स्ट्रेच कर दोगे तो एल्यूमिनियम से वो कॉपर में चेंज हो जाएगा, ऐसी बात है क्या? नहीं है। तो न्यू रेजिस्टिविटी जो है वो क्या रहेगी उसकी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, मतलब रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ न्यू वायर विल नॉट चेंज। तो अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो देखो जो वायर मैंने ली है उस वायर को, वायर तो सिलेंड्रिकल होती है, तो ये वायर रही आपकी सिलेंड्रिकल वायर और इसी को मैंने स्ट्रेच करके 3 times इसको मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, ऐसा थोड़ा और अच्छे से दिखा देते हैं ताकि वायर की थिकनेस मान लो शुरू में ऐसी रही हो और इसको मैंने जब स्ट्रेच किया तो बेचारा लेंथ इसकी 3 times हो गई। तो लेंथ 3 times हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम कोई चेंज होगा क्या? वॉल्यूम तो वही रहेगा ना। तो वॉल्यूम जो नए वाले वायर की वॉल्यूम होगी हमारे पास वो देखो वो कितनी होगी, वो होगी ये इसकी, मैं इसकी अगर लेंथ बोलूं तो इसकी लेंथ एल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं बोलूं तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। तो वॉल्यूम इसकी क्या होगी, वी इक्वल टू ए इंटू एल, ठीक है। तो वॉल्यूम होगी इसकी ए इंटू एल। उसी तरह से यह मैं अगर दूसरा लेंथ जो नया लेंथ आपका बना उस लेंथ को मैं अगर देखूं तो वो लेंथ नया वाला मान लो कि आपकी लेंथ बन गई कुछ, मैं इसको एल डैश मान लेता हूं, ठीक है, इसकी लेंथ हो गई एल डैश और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं मान लेता हूं ए डैश। तो इसकी वॉल्यूम तो मैंने जैसे बोला वॉल्यूम सेम रहेगी, तो इसकी वॉल्यूम ए डैश एल डैश होगी। अब इसका मतलब वॉल्यूम जो है, जो पहले था हमारा ए एल का और जो अब है ए डैश एल डैश का, है ना, तो इसको आप जब करोगे तो इसमें क्या होगा, अब इसको ए और एल के बीच का रेशियो देखो, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ए डैश बाय ए इक्वल टू एल डैश बाय, ये एल डैश तो नहीं होगा, एल बाय एल डैश होगा, तो एल बाय एल डैश में लिख लेता हूं, ऐसा हो जाएगा। और जो नई वाली लेंथ थी हमारी वो, मतलब न्यू लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ से कितनी है, 3 times ज्यादा है, तो एल डैश की जगह पे 3L लिख सकते हो आप, एल 3L, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, ये लिखता हूं 1/3। तो देखो अब दो रिलेशन यहां पे आपके पास आ रहा है, एक आ रहा है ए डैश बाय ए इक्वल टू 1/3 और दूसरा रिलेशन आ रहा है एल डैश एल बाय एल डैश, दिस वन इज इक्वल टू ऑल्सो 1/3। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बोलता है आपका, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलता है आर इक्वल टू रो एल बाय, यही ना। तो ये पहले वाला रेजिस्टेंस था हमारा, नया वाला जो स्टार्टिंग में था मतलब ओरिजिनल, और अब जो रेजिस्टेंस हो गया नया रेजिस्टेंस होगा वो कुछ अलग होगा, तो इसको मैं लिखूंगा रो एल डैश बाय ए डैश। और मैंने पहले बताया रेजिस्टिविटी तो दोनों की सेम होगी, इसको कैंसिल कर सकते हो आप, तो आपके पास यहां पे जो रिलेशन आ रहा है उस रिलेशन को अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास एल डैश, है ना, यहां पे मैं फ्रेश करता हूं, यहां पे देखो अभी तो मैं यहां पे लिख भी दूं, अभी मैं रेसिप्रोकल भी करूंगा, यहां पे देखना इसको मैं आर बाय आर डैश है
इसको आर डैश बाय आर कर देता हूँ क्योंकि मुझे नया रेजिस्टेंस चाहिए, तो इस तरह से मैं आर डैश बाय आर लिख देता हूँ। इससे मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास ए बाय ए डैश इंटू एल डैश बाय एल, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप देखो यहां से ए डैश बाय ए, तो ए डैश बाय ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहां पे ए बाय ए डैश इतना है तो ए डैश बाय ए इतना है, तो ए बाय ए डैश होगा थ्री, तो इसकी जगह पे आप थ्री रख सकते हो। और एल डैश बाय एल कितना हो जाएगा, ये भी थ्री हो जाएगा, तो ये हो गया, दैट मीन्स ये नाइन के इक्वल हो गया। तो आर डैश इक्वल टू कितना हो गया, नया जो रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है आर डैश इक्वल टू नाइन इंटू रेजिस्टेंस, हमने हमारे क्वेश्चन में टेन ओम का दिया हुआ था, मतलब नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो नाइनटी ओम का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हो सब कुछ वही है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जिसकी ओम यहां पे वहां पे 10 ओम थी, यहां पे आर ओम है, और न्यू रेजिस्टेंस क्या है उसको स्ट्रेच करके एन टाइम्स कर दिया गया है। तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, कुछ नहीं करूंगा, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ यहाँ पे, और सारी चीजें सेम है, मैं यहाँ पे ही काम करूंगा जब सारी चीजें सेम है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एन की जगह पे मतलब ये जो एल डैश है इस एल डैश की जगह पे मैं थ्री एल ले रहा हूं, मतलब एन एल ले रहा हूं, है ना। तो अब यहां पे एन डैश आप और बाकी जो चीजें हैं यहां पे, जैसे आपने ए डैश बाय ए इक्वल टू एल बाय एल डैश ये सब कुछ सही किया है आपने, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा वन बाय एन, राइट। तो यहां पे आपके पास आने वाला है वन बाय एन, मतलब कहने का मतलब कि एल डैश ये जो आप देख रहे हो यहां पे, ये एल बाय एल डैश, और दोनों का टर्म्स को मैं सेपरेट यहां पे दिखाना चाहूंगा, ए डैश बाय ए इक्वल टू एल बाय एल डैश इक्वल टू आपका आ रहा है वन बाय एन, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सही, मैंने यहीं से कॉपी किया है, सिर्फ ये वाला पार्ट को मैंने यहां पे कॉपी किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वाले पार्ट में मैं यह दिखाता हूं कि इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, मतलब ए बाय ए डैश, ठीक है, क्योंकि ये यहां पे हमारे पास जैसे वहां पे थ्री टाइम्स हो गया था वो, तो यहां पे एन टाइम्स लार्ज हो रहा है, तो थ्री की जगह पे हमने एन को यूज किया है। अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, ए डैश बाय ए ना लिख के ए बाय ए डैश, और इसको भी उल्टा कर देता हूं, एल डैश बाय एल इक्वल टू एन, इसको आप एन लिख सकते हो, याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब जो फॉर्मूले का जो रेशियो है वो फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, आर और आर डैश का जो फॉर्मूला है उसी दा उस पे चले जाएंगे, क्योंकि काम हमने सारा कर रखा है पहले से ही, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है हमें, हम उसी चीज को देख रहे हैं। तो ये आर बाय आर डैश जो है आपके पास, ये आपके पास एल डैश बाय एल और ए बाय ए डैश दे रहा है, तो अब जरूरत है कि इसकी वैल्यू को रखी जाए। तो इसकी वैल्यू मतलब ए बाय ए डैश की वैल्यू कितने के इक्वल है, एन के इक्वल है, और एल डैश बाय एल की वैल्यू कितनी है वो भी एन के इक्वल है, तो एन इंटू एन, दैट मीन्स ये कितना हो गया एन स्क्वायर, जैसे यहां पे थ्री इंटू थ्री किया था आपने उसी तरह से यहां पे एन इंटू एन हो गया, मतलब एन स्क्वायर हो गया। तो जो अब ये आप देखो यहां पे आर बाय आर डैश, आर डैश बाय आर, आर डैश बाय आर किसके इक्वल है, एन स्क्वायर के इक्वल है। तो आर किसके इक्वल होगा, तो आर आपका इक्वल होगा एन स्क्वायर इंटू आर के इक्वल होगा, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अब आपके पास ये सोचो कि जैसे आपने यहां पे ये क्वेश्चन की बात की, अगर मैं पहले ये आपको बता देता तो आप क्या करते, अगर आप इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होता, कहते कि अच्छा 10 ओम रेजिस्टेंस है, ओके, और आपने क्या किया, थ्री टाइम्स इंक्रीज किया है, चलो भाई कुछ नहीं करना, वहां पर कुछ नहीं देखेंगे, इतना अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब यहां पे थ्री टाइम्स मतलब थ्री का स्क्वायर, एन इक्वल टू थ्री है और रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो नाइन इंटू टेन मतलब 90 हो गया, 90 ओम, आप सीधा इसका आंसर बता देते,